सबसे पहले अपनी पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ सीधा रखते हुए धीरे धीरे उन्हें ऊपर की ओर उठाएं। पैर 90 डिग्री तक ऊपर उठाने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर उन्हें धीरे धीरे नीचे लाकर प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। यह व्यायाम पेट की मसल्स को मजबूत करता है। इसी स्थिति में लेटे रहें, लेकिन इस बार दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाकर ध्यान रखें कि आपकी पीठ जमीन से सटी रहे और आपके पैर एकदम सीधे रहें। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रुकें और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। भुजंगासन। पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, पैरों को एक साथ और पंजों को नीचे रखें। दोनों हाथों को कंधों के पास जमीन पर रखें और धीरे धीरे अपनी छाती और सिर को ऊपर की ओर उठाएं। कमर पैरों को जमीन पर रखें और कंधे और छाती को ऊपर उठाते हुए सांस लें। यह आसन आपकी पीठ और पेट की मसल्स को टोन करता है। नौकासन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए 30 डिग्री पर उठाए रखें, साथ में अपने दोनों हाथों को पैरों के सामने तक ले जाएं। इससे जो पेट का एरिया है उसके ऊपर काफ़ी जोर पड़ता है और पेट की चर्बी को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपको 5 से 7 बार रिपीट करना है। जब ऊपर उठते हैं तो सांस को भरना है, नीचे जाते समय सांस को छोड़ना है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ें, पैरों को जमीन पर टिकाएं। दोनों हाथों को शरीर के पास रखें और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं ताकि शरीर एक पुल की तरह दिखाई दे। कुछ सेकंड तक स्थिति में रुकें और फिर धीरे धीरे कमर को नीचे लाकर प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को हवा में उठाएं। पैरों को साइकिल चलाने जैसी गति में घुमाते हुए पेट की मसल्स को मजबूत करें। यह व्यायाम पेट की चर्बी को जलाने में मदद करता है। प्लैंक एक्सरसाइज। फर्श पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें और पैरों को सीधे रखें। अब शरीर को सीधा रखते हुए हाथों और पैरों पर संतुलन बनाए रखें। कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रुकें और फिर आराम करें।
कपालभाति प्राणायाम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और गहरी सांस लें। अब तेजी से नाक से सांस बाहर छोड़ते हुए पेट की मसल्स को सिकोड़ें। यह प्राणायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और पेट की चर्बी को कम करता है। अपने पूरे शरीर को हाथों और पैरों पर उठाना है। अब जैसे कि हम दंड लगाते हैं उसी प्रकार से आपको एक घुटना है वो अपोजिट कोहनी के ऊपर टच करना है। एक बार एक घुटने को अपोजिट कोहनी पर, अगली बार दूसरे घुटने को दूसरी अपोजिट कोहनी पर टच करना है। ऐसे करने से आपकी पेट की चर्बी कम होगी और ये फैटी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे आप 15 से 20 बार कर सकते हैं।